दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदर दिखाई देता है जो पत्थर से जन्मा होता है। वो बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन उसको उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता है, तो वो जोश जोश में अपने शक्तियां भगवान के पास पहुंचा देता है, जिसे देख उनकी बिल्ली आसमान से नीचे गिर जाती है। तो जेड एम्पायर इस चीज से बहुत गुस्सा होते हैं और उसको मारने का हुक्म दे देते हैं, लेकिन तभी वहाँ लॉर्ड बुद्धा आकर उन्हें रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस बंदर को किसी मकसद को पूरा करने के लिए धरती पे भेजा गया था। उस बंदर का नाम मंकी किंग होता है। तभी मंकी किंग दिखता है कि एक छोटे बंदर को उसकी माँ प्यार कर रही थी, जिसे देख उसकी आंखें नम हो जाती है और वो भी ऐसे ही प्यार पाने के लिए उस माँ से चिपक जाता है। मगर इस चीज से बंदर माँ बहुत गुस्सा होती है और उसे वहाँ से भगा देती है। तभी वो वहाँ से भागकर एक बूढ़े बंदर को गले लगा लेता है, लेकिन वो भी उसे दूर कर देता है। मगर तभी वहाँ एक राक्षस आकर एक बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे सारे लोग मंकी किंग को दोषी समझते हैं कि उसके वजह से एक बच्चा राक्षस का शिकार हो गया। इसलिए मंकी किंग उस राक्षस से लड़ने के लिए नारियल से लड़ना सीखने लगता है और धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है और उसका निशाना भी एकदम अचूक हो जाता है। लेकिन तभी एक दिन वही राक्षस फिर से बच्चा चुराने आता है, मगर इस बार मंकी किंग उस पर नारियल से हमला करने लगता है, लेकिन इस बार भी मंकी किंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और वो राक्षस फिर से एक बच्चे को उठाकर लेकर चला जाता है। तभी बूढ़ा बंदर बताता है कि उस राक्षस को हराने के लिए तुम्हें ड्रैगन किंग की छड़ी चुरानी होगी। ये सुनते ही मंकी किंग पानी में छलांग लगा देता है और उस ड्रैगन किंग के इलाके में चला जाता है। तभी उसे वही छड़ी दिखाई देती है जो मंकी किंग से कहती है, मैं तुम्हारा 500 सालों से इंतजार कर रही थी। तभी मंकी किंग उसे हाथ लगाता है तो वो छड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन उसे छड़ी चुराते हुए ड्रैगन किंग देख लेता है और वो बहुत गुस्सा होता है। इधर मंकी किंग छड़ी लेकर राक्षस के इलाके में जाता है तो वो वहाँ उस बच्चे को देखता है जिसकी सब्जी बनने वाली थी। मंकी किंग उस बच्चे को बचाने चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो राक्षस मंकी किंग पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जादुई छड़ी खुद ही राक्षस को मार मार के स्वर्ग पहुँचा देती है। इसलिए सारे गांव वाले मंकी किंग को वहाँ का राजा बना देते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसको अमर होने के लिए 100 राक्षसों का खात्मा करना होगा, जिससे वो अमर हो जाएगा। इसलिए वो 100 राक्षसों को मारने चला जाता है और एक के बाद एक राक्षसों को जल्दी ही मार के वो 99 राक्षस मार देता है और अब बस एक ही राक्षस बचा होता है, जिसे मारने के लिए वो गरीबों के इलाके में जाता है। तभी वहाँ उसे एक चमची मिलती है जो ड्रैगन किंग की चमची होती है, लेकिन वो मंकी किंग से जुड़ जाती है और मंकी किंग भी उसे नौकर के तौर पर रख लेता है। तभी उसका सामना 100वें राक्षस से होता है तो मंकी किंग उसे लड़ने लगता है, लेकिन इनके झगड़े में आधा गांव जलने लगता है। मगर मंकी किंग उसे कुछ ही सेकंड में धरती के नीचे नर्क में भेज देता है और मंकी किंग बहुत खुश हो जाता है कि अब वो अमर हो जाएगा। लेकिन तभी गांव वाले उसे उसकी बहादुरी के लिए मेडल देते हैं। मगर तभी वहाँ ड्रैगन किंग आ जाता है और अपना परिचय देने लगता है, लेकिन तभी धीरे से ड्रैगन किंग के चेले मंकी किंग की छड़ी चुरा लेते हैं। मगर मंकी किंग को ये बात पता चलती है तो मंकी किंग उन्हें मार पीट के फिर से छड़ी छीन लेता है और ये सोचने लगता है कि वो अभी तक अमर क्यों नहीं हुआ। उसने तो 100 राक्षसों का खात्मा भी कर दिया था, तो उसका पता लगाने के लिए वो मुर्दों के इलाके में जाता है, यानी कि नर्क में। नर्क का राजा जिंदा इंसानों को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वहाँ जिंदा इंसान नहीं आ सकते, लेकिन मंकी किंग उस लड़की का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि उसकी सूची में से नाम काटने से वो अमर हो जाएगा। मगर तभी वहाँ के राजा को पता चल जाता है मंकी किंग क्या करने आया है वहाँ, इसलिए वो उसकी सूची छुपा देता है और मंकी किंग से लड़ने लगता है। लेकिन तभी मंकी किंग राजा को भी हरा देता है और सूची से अपना नाम काट देता है, लेकिन तो भी वो अमर नहीं होता है। तभी उन्हें अमर होने वाली किताब के बारे में पता चलता है तो वो उसे भी वहाँ से चुरा लेते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं और किताब से उन्हें पता चलता है कि एक जादुई फल खाने से वो अमर हो जाएगा जो मिलता है भूतों के इलाके में। लेकिन तभी लिन चुपके से ड्रैगन किंग को वहाँ बुलाती है और उसे जादुई फल के बारे में बताती है, तो ड्रैगन किंग कहता है मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँ तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। लिन भी वैसा ही करती है। दरअसल लिन भी मजबूरी में ड्रैगन किंग का साथ दे रहे थे क्योंकि ड्रैगन किंग ने उससे वादा किया था कि वो उसके गांव में बारिश कराएगा और उनकी सारी परेशानी को दूर करेगा। मंकी किंग और लिन निकल जाते हैं जादुई फल के तलाश में, लेकिन उससे पहले ड्रैगन किंग वहां पहुंच गया होता है और उधर के फलों में जहरीली दवाई मिला देता है। कुछ ही समय बाद वहां मंकी किंग पहुंच जाता है, जिससे दो नमूने उसका स्वागत करते हैं और उसे बताते हैं कि रोशनी जिस पर पड़ रही है वही पेड़ जादुई फल देता है। मंकी किंग भी बिना सोचे समझे उस फल को तोड़कर खा लेता है, जिससे उसको नशा हो जाता है। तभी वहाँ ड्रैगन किंग भी आता है और मंकी किंग से जादुई छड़ी छीनना चाहता है, मगर मस्ती मस्ती में मंकी किंग उसे भी नशीला फल खिला देता है, जिससे वो भी नशे में हो जाता है और वो वहाँ से भागकर नदी में कूद जाता है। नशे से बाहर आते ही ड्रैगन किंग लिन से पूछता है क्या मैं अमर हो गया, लेकिन वो अभी भी अमर नहीं हुआ था, जिससे वो थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन इस बार उसे छड़ी बताती है कि जादूगरनी वेंगमुंग अमर होने वाली अमृत बनाती थी, जिसे सुनकर मंकी किंग बहुत खुश हो जाता है और निकल पड़ता है जादूगरनी वेंगमुंग को
ढूंढने के लिए। वो स्वर्ग में रहती थी। मंकी किंग चुपके से उनके घर में घुस जाता है और गलती से एक पदार्थ को सूंघ लेता है, जिससे वो बचपन में पहुंच जाता है और शरारत के कारण एक मटके में फंस जाता है। तो लीन उसका फायदा उठाकर वहां से छड़ी लेकर जाने लगती है, मगर मंकी किंग को वो रोता देख नहीं पाती, इसलिए वो उसे वहां से बाहर निकालती है और उसको ठीक करती है। मगर तभी वहां वांगुंग आ जाती है, लेकिन सही समय पर लीन मंकी किंग को अमर होने वाली अमृत दे देती है, जिसे पीकर वो अमर हो जाता है। लेकिन तभी उनके लड़ाई में लीन वहां से नीचे गिर जाती है, तो मंकी किंग लड़ाई छोड़कर पहले लीन को बचाने जाता है और उसे सही सलामत बचा लेता है, और अमर होने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। तभी लीन उसे एक चुनौती देती है, जिसमें उसे पानी के अंदर 24 घंटे सांस रोक के रखना होगा। मंकी किंग लीन की चाल ना समझते हुए चैलेंज को पूरा करने चला जाता है और छड़ी को बाहर ही भूल जाता है। तो लीन फटाफट ड्रैगन किंग को वहां बुलाती है और उसे छड़ी दे देती है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि उसने मंकी किंग को धोखा दिया, इसलिए वो उसे सारी बातें बता देती है, जिससे मंकी किंग बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने लीन पर भरोसा किया था। तभी वहां ड्रैगन किंग आता है और मंकी किंग पर हंसने लगता है, और लीन को भी उसने धोखा दिया था, वो उस छड़ी के जरिए दुनिया पर राज करना चाहता था। वो छड़ी के कारण वो बहुत विशाल ड्रैगन में बदल जाता है और पास के गांव को तबाह करने जाने लगता है, मगर तभी वहां मंकी किंग भी आ जाता है और फिर से उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लीन ड्रैगन किंग से कहती है, मैं तुम्हें मंकी किंग की कमजोरी बताऊंगी, लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। ड्रैगन किंग भी झूठा वादा कर देता है, तो लीन बताती है उसे बिजली से मारने के लिए। ड्रैगन किंग भी वैसा ही करता है, लेकिन इस बार वो लीन के जाल में फंस जाता है। धीरे धीरे करके मंकी किंग बहुत बड़ा हो जाता है और समुन्द्र के नीचे उसकी छड़ी भी उसे मिल जाती है, जिसे लेकर मंकी किंग उसे मार मार के पिद्दी में बदल देता है। लेकिन मंकी किंग ड्रैगन को हराने के बाद पागल हो जाता है और सारे देवता लोगों को भी चैलेंज कर देता है, जिससे सारे देवता गुस्सा होकर मंकी किंग से लड़ने के लिए धरती पर आ जाते हैं, मगर वो भी मंकी किंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये सब देखकर लॉर्ड बुद्धा वहां आते हैं और मंकी किंग को काबू में करने के लिए अपने हाथों से बने पत्थरों में उसे कैद कर देते हैं और कहते हैं, जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को काबू में करने आ जाएगा, तब तुम्हें इन पत्थरों से मुक्ति मिल जाएगी, और उसे 5000 सालों के लिए बंद कर देते हैं। तभी कुछ ही सालों बाद वहाँ एक चिंगचोंग आता है, जो कहता है, बुद्धा ने तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए बुलाया है। और इधर स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।